नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। रोहतक में पीजी कोर्स की परीक्षा पैटर्न में बदलाव को लेकर इनसो ने प्रदर्शन किया है। दरअसल रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में 1 सितंबर से स्नातकोत्तर की परीक्षाएं शुरू होंगी, लेकिन अब इनसो के छात्रों ने परीक्षाओं का विरोध किया है। उनका कहना है कि कोविड-19 के चलते उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ, इसीलिए परीक्षा में बदलाव किया जाए। इसी के चलते उन्होंने वॉइस चांसलर कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। साथ ही उनका कहना है, जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी, वो सभी इसी तरह से विरोध प्रदर्शन करेंगे। आइए सुनवाते हैं आपको इस मामले पर इनसो के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक मंगला का क्या कहना है। डिमांड क्या है? पीजी प्रथम वर्ष के छात्रों का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है, मुश्किल से 30-40% पाठ्यक्रम हुआ है। यूनिवर्सिटी प्रशासन तानाशाही पूर्वक एक सितंबर से डेढ़ सीट जारी कर दी है। हमारी मुख्य मांग है कि पहली बात तो पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है, पाठ्यक्रम अगर पूरा नहीं हो तो परीक्षा क्यों पूरी ले। हमारी मांग है, अब तक यूनिवर्सिटी का जो परीक्षा पैटर्न है वो आउट ऑफ 9 5 क्वेश्चन करने होते हैं। हमारी मांग है कि आउट ऑफ 9 3 क्वेश्चन करके पीजी प्रथम वर्ष के छात्रों को रिलैक्सेशन दी जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि अगर 29 तारीख तक जो प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं उनके प्रैक्टिकल एग्जाम हैं, 29 के बाद सिर्फ दो दिन का टाइम दिया, 1 तारीख से परीक्षा। हमारी मांग है कम से कम 10 या 15 दिन का समय उस परीक्षा के बीच में दिया जाए। और हमारी महत्वपूर्ण मांग ये है, जब UGC ने गाइडलाइन जारी की है कि फर्स्ट ईयर के छात्रों को उनके प्रैक्टिकल एग्जाम असाइनमेंट एग्जाम के तहत प्रमोट बगैर परीक्षा प्रमोट किया जाए, तो क्यों नहीं MDU के छात्रों को बगैर परीक्षा प्रमोट किया जाए, हमारी ये मुख्य मांग है। अच्छा, पहले भी आपने मुलाकात पहले भी हम सभी छात्र मिलकर के आए थे, रजिस्ट्रार साहब से मिलकर गए थे, प्रदर्शन करके गए थे और लिखित में अपना मांग पत्र दिए गए थे। रजिस्ट्रार साहब ने आश्वासन दिया था कि 2 या 3 दिन में आपकी समस्याओं पर संज्ञान लिया जाएगा, मगर अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अभी प्रदर्शन जारी रहेगा, जब तक विशेष साहब आकर के कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं इस पर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार गुलशन तनेजा ने विद्यार्थियों की बात सुनी और कहा कि हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि किसी कॉलेज में सिलेबस पूरा नहीं हुआ, लेकिन अगर फिर भी कहीं से इस तरह की लिखित शिकायत आती है तो वो परीक्षा स्थगित कर सकते हैं। तो जो अपनी डिमांड रख रहा है कि उनके सिलेबस नहीं हुए और एग्जाम पोस्टपोन होने लगे, जबकि जो हमारी डिपार्टमेंट से हमने जो फीडबैक दी उनके अनुसार ये सिलेबस खत्म हो चुके हैं। और हमने इनको ये कहा भी कि आप सब्जेक्ट वाइज बता दें कि कहाँ कहाँ सिलेबस नहीं हुआ, तो उनके हम 2-4 दिन 5 दिन हम उनके अगर हमें ये लिख के देते हैं और हम पता करते हैं कि वाकई ऐसा है कि किस सिलेबस में, तो उस हिसाब से इनके एग्जाम पोस्टपोन, लेकिन अभी उन्होंने लिख के नहीं दिए हैं। एग्जाम को लेकर इन लोगों की डिमांड है कि कह रहे थे कि UGC की गाइडलाइन में प्रमोट किया जा सकता है, इसमें जो है UGC की गाइडलाइंस जब तक स्टेट गवर्नमेंट अडॉप्ट ना करे यूनिवर्सिटी उसको नहीं इम्प्लीमेंट कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट ने उसको अडॉप्ट नहीं किया है और किसी भी यूनिवर्सिटी ने इस तरह से नहीं किया, सब ने एग्जाम सर। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।